क्या आप बीएमएस फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल बैच 2021-22 के स्टूडेंट्स हैं और आप एनआईए जयपुर में बीएमएस सेकंड ईयर प्रोफेशनल में एडमिशन लेना चाहते हैं? एनआईए जयपुर बीएमएस सेकंड ईयर में 33 सीट्स हैं जो वेकेंट हुई हैं, जिनके एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। उसकी बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एनओसी के रिक्वायरमेंट किस तरह से है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, इसके बारे में हम पूरी तरह बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन फॉर माइग्रेशन टू सेकेंड ईयर प्रोफेशनल ऑफ बीएमएस कोर्स फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर। ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर माइग्रेशन फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर इन सेकेंड ईयर प्रोफेशनल ऑफ बीएमएस एडमिशन बैच 2021-22 आफ्टर द पासिंग द फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल ऑफ बी एम एस कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस ड्यूली रिकोगनाइज बाय एन सी आई एस एम और सी सी आई एम अगेंस्ट द नोटिफाइड 33 वेकेंट सीट। तो इसका ये मतलब हुआ कि 33 वेकेंट सीट अवेलेबल हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसके लिए फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेकेंड ईयर। जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है और उनका रिजल्ट भी आउट है, वो बच्चे सेकेंड ईयर प्रोफेशनल फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन हैज़ टू सबमिट द एनओसी फ्रॉम द कॉलेज एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अटेंडेड फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल ऑफ बीएमएस बैच 2021-22 कोर्स ड्यूली साइंड बाय कॉम्पिटेंट यूनिवर्सिटी। जो एप्लीकेंट है उसको एक तो एनओसी लेनी है अपने कॉलेज से जिसमें अभी वो पढ़ रहे हैं, और एक एनओसी लेनी है जिससे उनका कॉलेज एफिलिएटेड है। तो अल्टीमेटली दो एनओसी की रिक्वायरमेंट है, एक तो अपने कॉलेज से और एक जिससे वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। नो सेपरेट एनओसी विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर। हम ये कह रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से एनओसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एनओसी का मतलब होता है कि ये प्रूफ है कि इस यूनिवर्सिटी में सीट्स वेकेंट हैं। तो यदि जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने उसको निकाला है, तो ये खुद में ही एक एनओसी है कि सीट्स वेकेंट है ही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर माइग्रेशन विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द नीट मेरिट स्कोर लिस्ट अचीव इन नीट 2021। जिनको भी अप्लाई करना है, जो भी क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू एडमिट इन दिस, वो होगा कि नीट में जितना स्कोर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग सारी सीट्स डिसाइडेड होंगी। माइग्रेशन विल बी डन कीपिंग इन टू स्ट्रिक्ट कंसिडरेशन ऑफ प्रिवेलिंग रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल इन पर्टिकुलर कैटेगरी एंड फॉरेन नेशनल, देन वेकेंट सीट विल बी कंसिडर्ड एज यू आर कैटेगरी। माइग्रेशन का होगा वो पूरी तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करेगा। अगर कोई भी कैटेगरी की सीट वेकेंट रहती है तो वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कि किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसकी है 11 सीट्स, ओबीसी की है 12 सीट, एससी की है 3 सीट्स, पीडब्ल्यूडी की है 1 सीट, ईडब्ल्यूएस की है 4 सीट्स और लास्ट फॉरेन नेशनल्स की है 2 सीट्स। तो टोटल सीट्स हैं 33 वैकेंट सीट्स। अब देखिए कि जो लास्ट डेट है फॉर एडमिशन वो है 20 नवंबर 2023 और एप्लीकेशन फी है 5,000 विच इज नॉन रिफंडेबल। देखिए अब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या फिल करनी है आपको। सबसे पहले लिखना है अपना नेम, जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे आप। सेकंड लिखेंगे एज। थर्ड लिखना है आपको जेंडर, कि मेल है या फीमेल है। फोर्थ लिखना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो आपके और डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, उनमें जो लिखा हुआ है। फिफ्थ है फादर्स और हस्बैंड्स नेम। सिक्स है नेशनैलिटी। सेवेंथ है कैटेगरी जनरल एस सी एस टी ओ बी सी,
पीएच या टीडब्ल्यूएस का जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आप लिखिए। एट्थ है नेम ऑफ प्रेजेंट कॉलेज, जिस कॉलेज में अभी आप पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखिए। नेम ऑफ प्रेजेंट यूनिवर्सिटी, जिससे आपका कॉलेज एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। 10th है मेरिट और रैंक इन नीट 2021 एग्जामिनेशन, जो भी रैंक आई थी उसको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। 11th है मार्क्स और स्कोर इन नीट 2021 एग्जामिनेशन, के जितने आपके मार्क्स आपने स्कोर किया था नीट 2021 में वो आपको लिखना है। 12th है एनओसी अटैच्ड, कि जो एनओसी की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं वो अटैच है या नहीं है, इसको आपको मेंशन करना है यस और नो में। 13th है मोबाइल नंबर। 14th है आपको आपकी ईमेल आईडी लिखनी है, और लास्ट लिखना है एड्रेस। ये सारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले फुलफिल करनी है। एंड प्लीज अटैच अ पासपोर्ट साइज फोटो विच शुड बी कलर्ड। सेकेंड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है कि 10th में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से किया था। ईयर ऑफ पासिंग, की कौन से ईयर में आपने 10th पास किया है। मार्क्स कितने स्कोर किए थे और परसेंटेज कितनी थी, या फिर सीजीपीए कितना था। फिर 12th का मेंशन करना है सेम वे, कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से किया था। ईयर ऑफ पासिंग, की कौन से ईयर में आपने पास किया है, कितने मार्क्स आए थे और परसेंटेज और सीजीपीए। थर्ड लिखना है आपको कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में कौन से कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन से आपने पास आउट किया है। ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स लिखने हैं कितने आए थे, और परसेंटेज मेंशन करनी है कि कितनी आपकी परसेंटेज थी। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होंगे वो होंगे, सबसे पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, 10th की मार्कशीट चाहिए इसके लिए आपको, 12th की मार्कशीट चाहिए। थर्ड चाहिए आपको अलॉटमेंट लेटर ऑफ एडमिशन इन बीएमएस इशूड बाय काउंसलिंग बोर्ड बेस्ड ऑन नीट 2021, ठीक है। फोर्थ चाहिए आपको नीट 2021 में जो आपकी मार्कशीट थी वो चाहिए। बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर की मार्कशीट चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी रिक्वायर होगा। एनओसी, जैसे मैंने बताया, एनओसी चाहिए होगी अपने कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की, और लास्ट होगा रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन फी। जो आपने एप्लीकेशन फी सबमिट की है जो 5,000 है, उसकी रिसिप्ट चाहिए होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं। सो इस तरह की वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।